Dr. Sergey, and I'll be talking about a very common condition of hand and wrist, which is called as ganglion. Ganglion is so common that I'm pretty sure that either of your relatives or your friends would be having one. So, ये क्या होता है? आपके wrist पे एक swelling होती है. एक swelling की तरह दिखती है. Swelling around 1 inch बड़ी होती है. And इसमें कोई दर्द नहीं हो रहा होता. इसे हम ganglion कहते हैं. काफी लोगों को होता है, उन्हें पता भी नहीं होता. वो कहते हैं हाँ एक छोटी सी सूजन है. And they never even go to a doctor for that. Right, ganglion has been known since biblical times. Rather, it is one of the few diseases that have been mentioned in the Bible. Ganglion में क्या करना होता है? हमें सबसे जरूरी चीज़ जो हमें ganglion के बारे में जानना है, ये cancer नहीं होता. It is non-cancerous. Many patients they come to me in literally a state of panic, saying that oh I'm having a swelling, could it be cancer? Right, that is what I tell them. See, most likely it is ganglion and it is not a cancer. Right. गैंग्लियन मोस्टली अपनी जगह पे रहता है, सेम साइज का रहता है, वो बढ़ता नहीं है. अगर बढ़ने लग जाए और या फिर अगर कभी दर्द करने लग जाए तो आपको उसको हटवाना होता है. अब गैंग्लियन होता क्यों है? गैंग्लियन बेसिकली क्या होता है कि आप देख रहे होंगे ये कुछ मेरे रस्सियां हैं, इन्हें टेंडन्स कहते हैं. इन टेंडन्स की एक शीथ होती है, एक कवरिंग होती है जिसमें एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है. तो जब कभी उस शीथ में कहीं से भी रेंट या दरार आ जाती है, दिस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इट कम्स आउट and forms this swelling, right? So it is nothing but a collection of lubricating fluid, right? हमने बता दिया कि इसे कब निकलवाना होता है, खाली जब इसका साइज बढ़ रहा होता है या इसमें जब दर्द हो रहा होता है. अगर आप निकलवाते हैं तो हम सीधा सर्जरी नहीं करवानी होती है. मेजोरिटी ऑफ पीपल विद गैंग्लियन दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू एस्पिरेशन एंड इंट्रालिजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन. कहने का मतलब है कि उसको बस हम सिरिंज से निकालते हैं और इसमें एक स्टेरॉइड डाल देते हैं. जो इसके अंदर फ्लूइड होता है वो एक्चुअली काफी गाढ़ा होता है, टूथपेस्ट की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट है. उसको निकाल के आपको कोई टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं होती. आप सिंपल जैसे निकालेंगे फ्लूइड की कंसिस्टेंसी और देखने से ही काफी सारे सर्जन बता देंगे ये गैंग्लियन है. जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है 90% ऑफ पीपल में इट इज वेरी इफेक्टिव एंड द गैंग्लियन डज नॉट कम बैक. 8 to 10% of people, the ganglion will come back. It will recur. One very common problem of an steroid injection in this area is hypopigmentation. मतलब वहाँ से skin जो होती है ना वो गोरी हो जाती है. ठीक है, वो सफेद हो जाती है rather. आपको एक albino patch जैसा लगता है. ये एक बहुत common side effect होता है sir. And ये अपने आप ठीक हो जाते हैं. वरना हमारे बहुत सारे dermatologist friends हैं who can easily guide you as to what needs to be done after that. अगर if you are those unlucky people in which this ganglion comes back again 10% में होते हैं तब आपको इसको निकलवाना पड़ता है. एंड वो सर्जरी जो होती है अगेन लोकल एनेस्थीसिया में होती है. आपको कोई बेहोश नहीं करते उसके लिए. इट्स सिंपली अ 15-minute जॉब. इट्स अ सुपरफिशियल स्वेलिंग. वी जस्ट मेक एन इंसिजन, टेक इट आउट कम्प्लीटली एंड देन वी सेंड इट फॉर बायोप्सी. ये बायोप्सी करना मैंडेटरी होता है क्योंकि ये बार बार स्वेलिंग आ रही है. तो वी जस्ट नीड टू बी डबली श्योर दैट वी आर डीलिंग विद अ गैंग्लियन ओनली. एक चीज होती है, देयर इज अ वेरिएंट ऑफ गैंग्लियन विच इज समथिंग वी शुड बी सीरियस अबाउट एंड दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड पामर गैंग्लियन. वो एक बहुत बड़ी सूजन होती है कलाई पर. हिंदुस्तान में इसका सबसे आम कारण जो होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है. तो जब भी बहुत बड़ी सूजन होती है, ठीक है, जो कि एक आवर ग्लास फिगर की होती है, तब हम टीबी जरूर सोचेंगे. हम आपका टीबी का टेस्ट कराएंगे. रादर हम उस फ्लूइड को जब निकालेंगे तो टीबी के टेस्ट के लिए भेजेंगे. एंड इफ इट इज ट्यूबरक्लोसिस देन सिंपल ट्रीटमेंट विद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स विल डू द जॉब. बॉटम लाइन और द समरी ऑफ दिस थिंग इज दैट स्वेलिंग्स ओवर योर रिस्ट मोर लाइकली गैंग्लियंस. दे आर नॉन कैंसरस. प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड. प्लीज डू नॉट पैनिक. इफ यू जस्ट वॉन्ट ट्रीटमेंट गो टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एन इंजेक्शन steroid injection into the site of ganglion and that thing vanishes. Even if it doesn't vanishes and if you're the unlucky ones in which it comes back, then a very simple surgical excision will do the trick.